इसमें पूरे यहाँ घटनाक्रम कैसे कैसे रहा, एक बार बताइए। जैसा कि आप जानते हैं 29 तारीख की सुबह को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था मुस्तफाबाद के खेतों में, तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फील्ड हेड को बुलाया गया। शाम तक इसकी शिनाख्त शावेज नाम के युवक के रूप में हो गई थी। रात्रि में इसके परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी, 302-201 के तहत FIR दर्ज की थी। फिर विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आया जिनसे पूछताछ की गई, तो 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम वसीम, आकाश और आसिफ है। वसीम और आकाश ने हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या की मूल वजह आकाश द्वारा कुछ जेवरात जो उसने अपने घर से चुराए थे वो इसने शावेज को दे दिए, तो शावेज से कहा था इसके बदले मुझे पैसा दे। शावेज पैसा देने में मना कर रहा था, इस कारण उन्होंने हत्या कर दी। सर, गिरफ्तार अभियुक्त कितने पढ़े लिखे हैं और इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। जनपद गाजियाबाद के अन्य जनपद उनके DCRO से कॉन्टेक्ट किया, फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास नहीं।